हाय गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज का जो व्लॉग है मैं शाम के टाइम स्टार्ट कर रही हूँ। अभी शाम के 5 बजे हैं एंड मैंने जस्ट अभी अपना जिंजर पानी पिया क्योंकि सुबह से मेरा गला थोड़ा ख़राब हो गया था। यहाँ पर 2 दिनों से बारिश हो रही है तो इसलिए आई थिंक ख़राब हो गया था, तो मैंने जिंजर पानी पी लिया है। आई थिंक अब ठीक हो जाएगा। एंड स्नेहा के तो अभी तक एनुअल एग्जाम्स चल रहे हैं, उसका एग्जाम खत्म होगा 20 तारीख को, तो उसके बाद हम प्लान कर रहे हैं कि मौसी के घर जाएंगे रांची में। मेरी छोटी मौसी जो है वो रहती है, तो होली वहीं पर मनाने का सोच रहे हैं। अभी देखते हैं क्या होता है। सो दैट्स द प्लान। एंड आज मुझे रिसीव हुआ है 2 पार्सल, एक है अमेजोन से एंड दूसरा है लिबास से। सो लिबास से तो मैंने कुर्तीज ऑर्डर किए हैं, शॉर्ट कुर्तीज, एंड अमेजोन से मुझे याद नहीं है मैंने क्या ऑर्डर किया था, तो अभी उसका अनबॉक्स करके आपको दिखा दूंगी क्या है क्या नहीं। एंड उसके बाद मैं एक केक बेक करने वाली हूँ, सूजी का केक। तो बहुत दिनों से मेरा ऐसा मन कर रहा था सूजी का केक खाने का, एंड बाहर तो ऐसे कहीं मिलता भी नहीं है सूजी का केक, तो घर पे ही बनाकर खाऊंगी क्योंकि घर का ही मुझे टेस्टी लगता है। सो ये दो है अमेजोन का पार्सल, पहले हम इसे खोलते हैं। आई थिंक इसमें कोई टॉप वगैरह होगा। यस, इट्स अ टॉप, ब्यूटीफुल वाइट कलर का एक फ्लोरल प्रिंटेड टॉप मैंने ऑर्डर किया था। काफी ज्यादा ही प्रिटी सा टॉप है, पता नहीं फिटिंग कैसी आएगी, पहन के देखना पड़ेगा। तो इसमें मैंने स्पेगेटी मंगवाया था क्योंकि ये खत्म हो गया था, मेड फ्रॉम 100% ड्यूरम व्हीट सेमोलिना। ये मुझे अच्छा लगता है स्पेगेटी बना के खाना, तो इसलिए ये मंगाया है मैंने। नेक्स्ट हम अनबॉक्स करेंगे ये लिबास का बड़ा सा पार्सल। हाय गाइस, सो इट्स द नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे। तो उस दिन मैंने केक बेक नहीं किया था क्योंकि जब मैं केक बेक करने गई तो मैंने देखा घर पे दही नहीं थी, मतलब बहुत ही थोड़ी सी दही थी क्योंकि पापा ने सुबह दही खा ली थी, सो इसलिए दही नहीं थी। एंड सूजी का केक तो बिना दही के हम बना नहीं सकते, तो मैंने सोचा चलो आज ही बनाएंगे क्योंकि आज स्नेहा का एग्जाम भी खत्म हुआ है, तो इट्स अ गुड डे टू बेक अ केक। तो स्नेहा अभी दूसरे रूम में है, उसके कोई फ्रेंड के साथ बात कर रही है। अब मैं उसको बुलाकर पूछूंगी कि एग्जाम कैसा हुआ है, तो वो आप सबको बता देगी। सो जितना मुझे पता है उसका एग्जाम तो काफ़ी अच्छा हुआ है। संस्कृत में बोल रही थी कि फुल मार्क आ जाएगा एंड बाकी सब्जेक्ट्स में भी 1-2 मार्क ही कटेगा वो बोल रही थी। सो वो ना एग्जाम के टाइम काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में रहती है, लाइक प्रिपरेशन के टाइम कि अच्छे से मैंने नहीं किया है प्रिपरेशन, ये वो ब्ला ब्ला। हमें घर में उसे बोलना पड़ता है कि अब बस कर, इतना मत पढ़, इतना प्रेशर मत ले, लाइक हम सब बोलते हैं उसे क्योंकि वो क्लास में हमेशा फर्स्ट आती है, तो उसके माइंड में ये हमेशा रहता है कि मुझे बेस्ट करना है, बेस्ट करना है। अगर मार्क कम हो गया तो क्लास में टीचर्स क्या कहेंगे। हम तो उसे घर में कुछ नहीं कहते, उसे टेंशन होती कि मेरे टीचर्स क्या कहेंगे। गाइस नेहा आ गई है, सो अब हम इससे पूछते हैं कि एग्जाम कैसा हुआ तेरा, एनुअल एग्जाम। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा हुआ है? SST आज वाला? नहीं नहीं नहीं, सबसे अच्छा संस्कृत हुआ है। संस्कृत? हाँ, मैं उनको बोल रही थी कि संस्कृत में इसका फुल मार्क आ सकता है बोल रही थी ये। एंड सबसे खराब कौन सा एग्जाम हुआ है? खराब वैसे कुछ नहीं हुआ है। मैथ्स? मैथ्स भी ठीक ठाक ही हुआ है, फिर भी मैथ्स। मुझे पता था मैथ्स ही होगा, मतलब खराब नहीं है फिर भी थोड़ा डर रहता है। हाँ, कहीं गलत ना हो जाए। वही तो, इस बार एग्जाम में प्रेशर में थी तू? नहीं, मैं ज्यादा प्रेशर में नहीं थी क्योंकि इस बार सब कुछ मेरा सिलेबस कवर हो गया था। और आप PLE के एग्जाम के टाइम कितना प्रेशर में थी बोल ना जरा। बहुत ज्यादा, मतलब मैं लिटरली रो रही थी, बट हाफ ईयरली में इतना अच्छा मार्क आया था इसका, इतना प्रेशर क्यों लेती है? डर लगता है कहीं मार्क्स कम ना आ जाए। क्या हो जाएगा मार्क्स अगर कम आएगा? फिर मुझे बोलेंगे सब, मुझे चिढ़ाएंगे। क्यों चिढ़ाएगा, हम तो घर में नहीं को बोलते कुछ भी, फ्रेंड्स और टीचर्स भी बोलते हैं।
वैसे इतना प्रेशर नहीं लेना चाहिए, चिल करो लाइफ में। क्या है, मुझे पता है ना, खत्म हो गया स्कूल तो ये मार्क वार्क ठीक है, बट ज्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए। अब तो एग्जाम खत्म हो गया, तो अब तो बल्ले बल्ले। आज हम केक बेक करेंगे अभी, सूजी का केक। सो या चलिए किचन में। Making me hate you, probably think it's painful, but really I'm grateful. I think I've seen this before. This is the part where you say you want me to. I say I love you, then you go act a fool. That's how the story goes. Just wanna let you know, no need to sugarcoat it. It's getting old, there's not much to uphold. Almost like legal ghosts. No need to sugarcoat it. सो गाइज, अभी मैं अपने ऊपर वाले घर में आई हूँ। सो जब तक केक रेडी होता है, मैंने सोचा आपको ऊपर हमारा घर का काम कितना दूर तक हुआ है आपको दिखा कर ले आती हूँ। सो अभी रिसेंटली हमारा ऊपर वाला छत गिरा है, एंड ये तो रूम वगैरह मैंने आपको दिखाया था शायद पहले। मेरा रूम ये है। सो या दिस इज द व्यू। इस तरफ है हमारा किचन, एंड वहाँ पर बाहर है बालकनी। सो आई थिंक पूजा तक हमारा ऊपर वाला घर का काम कंप्लीट हो जाएगा, एंड फिर मैं ऊपर शिफ्ट हो पाऊँगी। सो नीचे मुझे वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स आती थी, क्योंकि घर में सबको मुझे चुप करवाना पड़ता था वीडियो शूट करने से पहले। मैं कितना सबको बोलूँगी कि चुप हो जाइए चुप हो जाइए, कभी ये फ़ोन कर रहे हैं कभी वो फ़ोन कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है नीचे। तो एक बार ऊपर का घर बन जाए तो मैं ऊपर आराम से अपना वीडियो शूट कर पाऊँगी। सो या एंड क्या बोल रही थी, हाँ मैं आपको छत पर लेकर जाती हूँ, चलिए। सो आज तो बारिश हो रही थी इसलिए काम बंद था। सो ये है हमारा छत। आज स्काई बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। दिन भर बारिश हुई थी, अभी थोड़ी रुक गई है बारिश। Making me hate you, probably think it's painful, but really I'm grateful. I think I've seen this before. This is the part where you say you want me to. I say I love you, then you go act a fool. That's how the story goes. Just wanna let you know, no need to sugarcoat. Wow, chocolate खा रही है guys ये। इतना खाना खा के रही फिर भी चॉकलेट की लालची। बहुत पसंद है। नहीं दूंगी मैं, मुझे उतना लालच नहीं है चॉकलेट का। There's not much to uphold. Almost like legal ghosts. No need to sugarcoat it. So guys, next day मैं, स्नेहा और मम्मी हम तीनों रांची के लिए सुबह 6 बजे निकल गए। पहले हम टाटा गए एंड फिर वहाँ से बस चेंज करके हम रांची गए। अराउंड 1-2 बजे हम पहुँचे अपने मासी के घर, लंच किया एंड फिर थोड़ी देर रेस्ट किया, एंड शाम को हम गए मेला घूमने। उनके घर के पास ही एक मेला लगा था तो हम सब वहाँ चले गए घूमने, एंड वहाँ मैंने फर्स्ट टाइम धुसका वड़ा खाया, जो कि झारखंड का फेमस डिश है। मुझे तो इसका टेस्ट अच्छा ही लगा। इसे आलू की सब्जी के साथ सर्व किया गया था। इसके बाद हम ब्रेक डांस पर भी बैठे थे, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। मुझे तो इन झूला वगैरह से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, बट फिर भी मैं हिम्मत करके बैठी गई थी एंड चिल्ला भी बहुत रही थी। Oh,
नेक्स्ट डे हम सबका अचानक ही ऐसे प्लान बन गया पार्क घूमने जाने का, तो वी वेंट टू वाइल्ड वादी वाटर पार्क। हम सब शाम के टाइम पे गए थे तो पानी के अंदर तो नहीं जा सके, एंड टेम्पोलिन भी था वहाँ, तो हम सब वहाँ चले गए एंड काफ़ी मस्ती भी की हम सब ने। संडे के दिन मैं, मेरी बहन और मेरी मासी की लड़की, हम तीनों गए थे न्यूक्लियस मॉल, जहाँ से मैंने ज़्यादा कुछ तो परचेज़ नहीं किया बट खाया बहुत कुछ था, जो मैं अपने शॉर्ट्स पे अपलोड करूँगी तो आप वहाँ देख लेना। हेलो गाइस, एंड आप सभी को हैप्पी होली। एंड यहाँ पर स्नेहा और मेरी बहन खेल रहे हैं। हैप्पी होली बोल दो सबको। हैप्पी होली गाइस। और मैंने अभी ये वाइट कुर्ता सेट पहना है, मैं ऊपर आई थी फोटोशूट करने के लिए, अभी जाकर चेंज कर दूंगी एंड फिर पुराने कपड़े पहनकर ही होली खेलेंगे, क्योंकि वही पहनकर ही हम खेल सकते हैं होली, ये सब गंदा हो जाएगा। बस फोटो के लिए ही मैंने पहना था। सो आप सभी को बहुत बहुत हैप्पी होली गाइस। और यहाँ देखिए, इन दोनों का तो कुछ अलग ही चल रहा है। क्या हो, कह रहा है होली पार्टी? ये तो भूत हो गई है गाइस। नया होली में भूत ही होना होता है। एंड ये है रोजी। मुझे अभी ये लोग ज्यादा रंग नहीं लगा रहे हैं क्योंकि मेरा ये ड्रेस खराब हो जाएगा। हाँ, अभी मैं चेंज करके आती हूँ एंड उसके बाद हम खेलेंगे। थोड़ा सा इसे कहते हैं, इसे कहते हैं हैप्पी वाली होली। मुनु मोए मोए हो गया, मोए मोए। तो होली वाले दिन मैंने काफ़ी बढ़िया बढ़िया सारी चीज़ें खाई थी, जो मैंने अपने शॉर्ट्स पे भी अपलोड किया है। आई थिंक अभी तक आपने वो देख ही लिया होगा। मंडे ट्यूसडे तो होली थी तो हम सब कहीं घूमने नहीं गए थे। देन वेडनेसडे को हम तीनों फिर से निकले थे मॉल जाने के लिए एंड उस दिन हम गए मॉल ऑफ रांची। इस मॉल का पूरा इंटीरियर डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत था एंड यहाँ मुझे मेरे कुछ क्यूट सब्सक्राइबर्स भी मिले थे, जिनसे मिलके मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अपने लिए मैंने एक ओवरसाइज टी शर्ट परचेज किया मैक्स से। देन हम H&M गए थे उनका कलेक्शन देखने, बट कुछ खरीदा नहीं मैंने। एंड देन आई वेंट टू होम सेंटर, एंड जब भी मैं होम सेंटर जाती हूँ गाइज, कैंडल्स तो ज़रूर खरीदती हूँ। यू कैन से कि आई एम ऑब्सेस्ड विद कैंडल्स। शॉपिंग वगैरह करने के बाद हम ऊपर फूड कोर्ट चले गए। यहाँ हमने वाव मोमो का एक कॉम्बो मील ऑर्डर किया था, जिसमें था स्टीम्ड मोमोज, चॉकलेट मोमो, बर्गर और कोक। मैंने तो चॉकलेट मोमो ट्राई भी नहीं किया, मेरी दोनों बहनों ने खा लिया, क्योंकि चॉकलेट मोमो देखकर मुझे एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी तो मैंने बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया। एंड उसके बाद चटोरे से हमने सेव पूरी और दही पापड़ी चाट ऑर्डर किया। मुझे तो ये दही पापड़ी चाट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा।
लगा। ये सब खाने के बाद हम गए आइसक्रीम खाने। सो सबने अलग अलग फ्लेवर लिया था, स्नेहा ने ओरियो लिया, मैंने चॉकोमेंट लिया एंड मेरी मासी की लड़की ने बेल्जियम आलमंड लिया। नेक्स्ट डे मासी ने ब्रेकफास्ट में ये बिहारी दाल पीठा बनाया था जो काफ़ी टेस्टी एंड फुलफिलिंग था। देन आज मेरे एक स्कूल के सर ने जो अभी रांची में पोस्टेड हैं उन्होंने उनके घर पे लंच पे बुलाया था, तो हम वहाँ गए थे एंड उनका घर एयरपोर्ट के एकदम पास ही है तो यहाँ से प्लेन्स वगैरह एकदम क्लियरली दिख रहे थे। घूम कर आ उस तरफ। मैं जहाँ जहाँ से जा वहाँ से घूम के आ रही है। जाइए ना उधर साइड खाली दिखेगा, जाइए ना उधर साइड खाली दिखेगा। वो लोग पहला मारा है ना गया और उसके बाद में निकला था। सर के घर से आते आते शाम हो गई एंड आज हमारा लास्ट डे था रांची में, तो मौसा जी हमें बाहर लेकर गए थे डिनर के लिए। ज़्यादा भूख तो नहीं थी मुझे क्योंकि सर के घर पे भी मैंने काफ़ी कुछ खा लिया था, फिर भी यहाँ थोड़ा थोड़ा खा लिया मैंने एंड देन नेक्स्ट डे बस पकड़ के वी केम बैक टू होम। पूरा वन वीक रांची में कैसे बीत गया कुछ पता ही नहीं चला मुझे, बाकी मज़ा तो काफ़ी ज़्यादा आया एंड आई होप कि आपको ये वीडियो देखकर भी मज़ा आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे फिर से मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।